हेलो दोस्तों, हमारे एसएनएस गोल्डन चांस चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ। न्यूज़ ये है कि बाइनेंस एक्सचेंज जो था वो उसका रजिस्ट्रेशन बंद था, कुछ दिनों से उसने बंद किया था, लेकिन अब क्या उसने स्टार्ट कर दिया कुछ हफ्तों के लिए। कब वो बंद कर दे तो इसको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप लोग रजिस्ट्रेशन करिए। ये देखिए इस तरह है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए, फिर रिपीट वही पासवर्ड, फिर रेफर आईडी में ये डाल दीजिए। ये ऑप्शनल है, रेफर आईडी डाल भी सकते हो, नहीं भी। वैसे मैंने लिंक दिया है, लिंक से भी जाके आप आईडी बना सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि कुछ हफ्तों के लिए कभी भी बंद हो सकता है। जल्द से जल्द बना लीजिए और ट्रेडिंग बढ़िया करिए। तो ट्रेडिंग जो भी करिए अपने रिस्क पे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसी चीज़ ही है। तो कहने का मतलब अच्छे से समझें, अच्छे से और वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, ब्लॉग्स हैं, अच्छे से पढ़ें, जाँचें, उस पर ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। ट्रेडिंग देखा जाए, अगर काफ़ी लोग डरते हैं तो मैं कहूँगा बहुत ऐसे लोग हैं जो फालतू पैसे खाने पीने में बर्बाद करते हैं, तो एक बार उन्हें ट्रेडिंग करके अपना चांस अजमाना चाहिए। अच्छे से समझने के बाद ट्रेडिंग जरूर करना चाहिए। इससे क्या है, हम कह रहे हैं 2-3-4 हज़ार लगा के, वैसे भी हम कहीं भी लगा के करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन हाँ ट्रेडिंग में अगर कर रहे हैं सही से करेंगे तो हाँ करोड़पति ज़रूर बन सकते हैं अगर सही से वर्क करेंगे। लेकिन क्या है, ये अपनी रिस्क अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कहने का मतलब कोई भी, खुद ही सोचो, कोई भी बिजनेस है जहाँ 4-5 हज़ार लगा के आप बन सकते हो, कुछ नहीं बन सकते। और वैसे भी अगर सोचो कि आप पैसे बर्बाद नहीं करते, बहुत ऐसे पैसे हैं जो आप फालतू बर्बाद कर देते हो, लेकिन ये जो मैं सजेशन दे रहा हूँ तो कहने का मतलब ये अलग है कि आप करो। मैं कोई किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, बस मेरा एक राय है, मेरा एक नज़रिया है कि करोगे बेनिफिट अच्छा उठा सकते हो, हालांकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करिए। बस मेरे बताने का मतलब यही है कि आप कहीं भी देखोगे तो हर चीज़ का एक निगेटिव पॉइंट होता है। हम कुछ भी करें, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई क्या जरूरी है कि हमें सरकारी जॉब मिल जाए, ये नहीं, पढ़ाई जरूरी नहीं कि सरकारी जॉब के लिए की जाती है, हमारे डेवलपमेंट के लिए की जाती है। वैसे कोई चीज़ भी हम करें तो उसका हर चीज़ का निगेटिव पहलू होता है। तो कहने का मतलब इसकी वजह से डरना नहीं चाहिए कि रिस्क ना लें। अगर रिस्क भी नहीं ले तो देखो तो हम क्या रह जाते हैं, वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो कुछ अलग करो, कुछ अपने माइंड को चेंज करो। तो इसी के साथ, आपको ये अच्छा लगा होगा तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को अपने शेयर करिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। तो इसी के साथ मैं अपनी ऑडियो को एंड अप करता हूँ। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।